भारत रत्न से सम्मानित भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को बचपन से ही गाने का शौक था। उस संगीत में उनकी बेहद दिलचस्पी थी। लता ने एक बार बातचीत में ये बताया कि जब वो 4-5 साल की थी तो किचन में खाना बनाती अपनी माँ को स्टूल पर खड़े होकर गाने सुनाया करती थी। तब उनके पिता को बेटी के गाने के शौक के बारे में पता नहीं था। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को एक मध्यम वर्गीय मराठा परिवार में हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्मी लता पंडित दीनानाथ मंगेशकर की बड़ी बेटी थी। लता मंगेशकर का पहला नाम हेमा था, मगर जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया। लता अपने सभी भाई बहनों में बड़ी है। मीना, आशा, उषा तथा हृदयनाथ उनसे छोटे हैं। उनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक थे। लता मंगेशकर अब तक करीब 30,000 से अधिक गीत गा चुकी हैं, साथ ही 36 क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपनी आवाज़ का जादू बिखेर चुकी हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित लता मंगेशकर का करियर बेहद ही दिलचस्प रहा है। लता मंगेशकर साल 1942 से गा रही हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक गायकी और एक अभिनेत्री के तौर पर की। उन्होंने कीर्ति हसाल के लिए एक गीत रिकॉर्ड किया, लेकिन अंतिम कट के दौरान इस गाने को काट दिया गया। लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक संगीतकारों के साथ काम किया है, चाहे मास्टर गुलाम हैदर हो या फिर नौशाद शंकर जयकिशन की जोड़ी हो या फिर मदन मोहन की। सलील, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आरडी वर्मन के साथ उन्होंने बहुत गाने गाए हैं। लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। इनकी आवाज़ ने 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। सन 1974 में दुनिया के सबसे अधिक गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज है। सुरीली आवाज़ और सादे व्यक्तित्व के लिए विश्व में पहचानी जाने वाली संगीत की देवी लता आज भी गीत रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में प्रवेश करने से पहले चप्पल बाहर उतार कर आना पसंद करती हैं। बचपन में कुंदनलाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर वो कहती थी कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेंगी, वहीं बाद में उन्होंने शादी ही नहीं की। इस पर उनका कहना है कि घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी उन पर थी, ऐसे में जब शादी का ख्याल आता भी है तो वो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।